आज आप लोग पहचान में ही नहीं आ रहे सबको पीपी किट पहना दिया गुड सेफ्टी फर्स्ट ना सेफ्टी फर्स्ट लेकिन आपसे मुझे कौन सेफ रखेगा नहीं नहीं सब सेफ है यहाँ पर हर कोई। सबसे पहला सवाल आप ही का होने वाला है हाँ नॉर्मल क्वेश्चन सो डिफरेंट किरदार है आपका एंड डार्क शेड्स में हम आपको देख रहे हैं फर्स्ट टाइम आई थिंक जितना मेरा नॉलेज है सो so, कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड uh, अगर आप कुछ बता सके क्योंकि रिबू जी फर्स्ट टाइम आपके साथ में एसोसिएशन हो रहा है तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि विथ परिणति जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस सो परिणति जी पहले आप जो डार्क शेड्स है ये काफ़ी डिफरेंट अंदाज़ में दिखाई दे रहा है अगर आप बता सकें एक्चुअली आपके आ, सवाल में ही मेरा जवाब है क्योंकि ओबियसली जिस तरह की फिल्में मैं करती आई हूँ और जिस तरह का आ, के किरदार मुझे ऑफर भी होते थे और मैं खुद सिलेक्ट भी करती थी मैं उसको ब्रेक करना चाहती थी मैं उसको तोड़ना चाहती थी आई वॉन्टिड टू डू सम जिसमें मैं आप लोगों को सरप्राइज कर पाऊँ यू नो लोग ये फ़िल्म देख के बोलें कि अरे ये हमने पहले कभी देखा नहीं है तो एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल कि यू नो इन्होंने सोचा कि uh, मैं ऐसी फ़िल्म कर सकती हूँ और मैं ऐसा रोल कर सकती हूँ क्योंकि यूजली क्या होता है आप जिस तरह का काम करते हैं वैसे ही काम आपको ऑफ़र होता रहता है क्योंकि लोगों को लगता है आप वो ही कर सकते हैं लेकिन एक्टर्स में इतनी ज़्यादा भूख होती है अलग अलग चीज़ें करने के लिए वो जब तक आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिले आप दिखा नहीं सकते सो so, Fingers crossed, मतलब अब एक हफ्ते से भी कम रह गया है पाँच दिन रह गए हैं अब एंड आई एम होपिंग टू सी रियली वेटिंग टू सी के आप लोग क्या बोलते हैं ये देख के बिल्कुल रिभू जी अगर आप बता सकें आई थिंक वॉट सी कि इन्होंने पहले ऐसे काम नहीं किए uh, और कि जनरली मेकर्स प्रोड्यूसर्स आपको एक uh, एक ढांचे में डाल देते कि आपको यही आता है एंड यू नो काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन वही आपका आगे का भी काम डिसाइड करता है तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बीट था मेरे लिए कि इनको ही कास्ट किया जाए क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया नहीं है uh, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक्टर जो एक्टर जो होते हैं उनको दे आर थ्राइविंग टू डू न्यू वर्क तो अगर आप उनके सामने कुछ ऐसा एक कर्व बॉल फेंको एक यू नो चैलेंज फेंको तो आई थिंक उनका सबसे द बेस्ट कम्स आउट ऑफ देम और मुझे बहुत मज़ा आता है ये ऐसे प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग में जहाँ पे आप एक एक कलाकार को लेके पिक्चर बनाते हो जहाँ पे उन्होंने जो भी काम किया है यू शेड ऑल दोज कलर्स फ्रॉम देम और एक नया कलर आप एक साथ कोला कोलाबरेटिव मीडियम में कोलाबरेट करते हो एक नया कलर वर्क के आता है एक नया कलर बनाते हो और वही इमेज वही कलर के साथ आप वो पिक्चर बनाते हो तो मुझे लगता है वो एक नया फाइंडिंग है नया विजन है बट वो इट कैन ओनली भी पॉसिबल वेन द एक्टर इज सो मच हंगरी एंड सो मच यू नो लुकिंग फॉर लुकिंग टू डू सो मच न्यू वर्क एंड आई थिंक मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि अगर uh, मुझे uh, ये फिल्म दोबारा बनाने कोई बोले आई वुड स्टिल वॉन्ट टू मेक द फिल्म आई वुड अगेन एंड अगेन वॉन्ट टू मेक द फिल्म विथ ओनली हर बिकॉज आई थिंक जैसे मैंने फिल्म एक डेढ़ साल पहले uh, एक डेढ़ साल पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और uh, जैसे जैसे मुझे बनाना बनाना था द विजन आई हैड जो मुझे फाइनली फाइनल कट जो हुआ है तो फाइनली जो अभी छब्बीस uh, तारीख को रिलीज़ है तो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट कोलेबोरेशन एंड आई थिंक कि उन्होंने जो पहले नहीं किया है वो सबसे बड़ा प्लस था लंडन uh, में ये सारी शूटिंग हुई है तो अगर आप बता सकें कि ट्रेन में ट्रैवल करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस मैम um, श्योर sure आपको पता है कि लंदन मेरा दूसरा घर जैसा ही है वहीं पे मैंने पढ़ाई की है मेरे मेरे दोस्त वहीं पे हैं मेरी इतनी फैमिली वहाँ पर है तो जितना भी मेरा ट्रेन का सफ़र का जो एक्सपीरियंस है वो सब लंदन में ही है लेकिन ऑफ ऑफ़कोर्स एक बहुत अलग फीलिंग होती है जब आप उस ट्रेन पर बिना टिकट के एक्टर के बतौर शूटिंग के लिए चढ़ते हैं वो बहुत अलग फीलिंग होती है एंड uh, कितनी बार मैं मैं इतना इमोशनल uh, फील करती थी कि कैसी ज़िंदगी है कि यू you नो know, दस साल पहले मैं इन्हीं ट्रेन में सफ़र करती थी काम ढूंढने के लिए या जॉब्स पे जाने के लिए और आज मैं उसी ट्रेन पे बैठ के मेरा कोई शॉट ले रहा है मेरे कोई क्लोजअप ले रहा है तो आई गेस दिस इज़ लाइफ मतलब मेरे नाम का मतलब ही डेस्टिनी है और मैं बहुत डेस्टनी में बिलीव करती हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए

in the beginning 2013 13 uh, no, no no 16 okay maybe yeah, i am bad in that yeah. so i uh, i had seen the trailer and i really i thought that this is something uh, i should you know get into and try to make mm. and then i saw the film but i didn't know i didn't know that who, who has the rights for the film but then of course reliance had the rights for the film and Shibashi had offered me the film and she, he said that do you want to make this and i said oh lovely i was you know i was wondering ki kiske paas rights बट uh, एक बड़ा सवाल था द बिगर क्वेश्चन वॉज दैट कोई भी फिल्म हो uh, रीमेक बनाओ कि नॉवल से नॉवल से आप उसको अडेप्ट करो वॉट विल बी योर योर टेक एज अ मेकर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो सवाल का अगर आंसर नहीं है तो पिक्चर नहीं बनानी चाहिए सो आई थिंक जब तक वो सवाल की आंसर नहीं था मेरे पास तो आई डिड नॉट से ओके टू इट इन देंस दैट आई डिड नॉट से दैट कि नहीं नहीं मुझे बनानी है फर्स्ट आई आई आस्ट माई सेल्थ दट क्वेश्चन दैट वाट इज योर टेक वॉट इज वॉट वॉट विल यू ब्रिंग here because the film is out, there's a book, <coughs> everything is there. So that is very important. So I think I found that answer somewhere in this journey and then I wrote the script. Uh, of course when you see the film on the 26th you will see that the characters are more and m much more detailed. Uh, it's much more layered. Uh, uh, layered in, 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 in terms of me as a maker. I'm not saying that it's oh, come layered. Tha, layered eh? at, not at all. Or of course it, uh, it's a Hindi film. Uh, I am a Hindi film industry filmmaker. आई मेक फिल्म टू फॉर फॉर इंडियंस प्राइमरि जो कि हिंदुस्तान की जनता है उनको उनका कंजम्शन के लिए तो ऑफकोर्स उसके लिए जो भी uh, कुछ uh, इधर उधर चेंजेस करना था हमने किए हैं वो बट प्राइमेरीली द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड स्टोरी सिमिलर बिकॉज हमारे पास उसके राइट्स थे बट ऑफकोर्स वंस यू सीड ऑन द ट्वेंटी सिक्स you will uh, you will know what i'm saying <coughs> so coming to the pariniti when you of when you got a offer for this film as you said you waited long to do such character so what was your reaction you also thought like yaar already hollywood mein aa gayi hai we are going to make a bollywood so kis tarah se character sketch pe kaam hua hai Actually ये film का जो offer था ना वो बहुत जैसे usual offer होता है आपको phone किया जाता है आप script पढ़ते हैं और हाँ बोलते हैं एग्जैक्टली exactly वैसा था नहीं सो बेसिकली वॉट हैपेंड वॉज मैं ऑलरेडी जिस तरह की फिल्में कर रही थी मैं दो तीन सालों से सोच रही थी कि मुझे कुछ अलग करना है यार मैं बोर हो रही हूँ मैं बोर से ज़्यादा बोर गलत वर्ड है मैं सैचुरेट हो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कितना और अलग करूँ uh, लेकिन वो आधी मेरी गलती भी थी क्योंकि मैं वैसे रोल सेलेक्ट भी कर रही थी तो दो तीन सालों से मैं मैं सुन रही थी कि ऐसी एक फिल्म बन रही है गर्ल ऑन द ट्रेन और मैंने ऑब्वियसली किताब uh, मतलब मेरे घर में बहुत किताबें हैं मैं बहुत किताब पढ़ती हूँ सो दिस इज़ वन ऑफ देम एंड मैंने सुना कि ये कहीं पे हो रही है उस टाइम मैंने सुना कि इसकी कास्टिंग हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो अभी गई ये फिल्म मेरी हाथ नहीं है मैं कुछ और ढूंढती हूँ फिर एक दो साल तक मैंने सोचा कोई शूटिंग की खबर नहीं है कोई ये फिल्म बन नहीं रही है इसको ज़रा दोबारा पूछा जाए सो आई काइंड ऑफ रीच्ड आउट टू देम एंड सेड कि यू you नो know, आप अगर ये फिल्म बना रहे हैं आपको लगता है कि मैं सही हूँ कैन आई रीड द स्क्रिप्ट एंड वहाँ से जवाब यह है कि अरे हम लोग भी आप ही को एक्चुअली कॉन्टैक्ट करने वाले थे तो सिमिलर टाइम पे आप इमेजिन कीजिए मतलब दो साल के गैप के बाद सिमिलर टाइम पे हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे थे सो लाइक आई सेड किस्मत एंड डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ होती है सो फाइनली मैंने ये फिल्म की एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग दैट देट नो डाउट एज वी कैन सी यू इन द फिल्म ऑल्सोर लुकिंग ट्रिमेंडसली ऑसम एंड थैंक श्योर आपने आपके पर्सनैलिटी पर काफ़ी सारा काम किया है बिकॉज टू डू कैरेक्टर एज वी एज सींग दज एक्शन दज थ्रिलर सो कितना वर्क लगा टू कम डाउन इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर वो उनको सब हम, इनका उनको हमने process, यार। <laughs> मैं, आ, मैं ऐसी आप लोगों को पता है मैं ऐसी इंसान हूँ नहीं लेकिन इसलिए फिल्म करने में इतना मजा आया मुझे बिकॉज आई फेल्ट लाइक जब मैं एक सीन पढ़ती थी तो जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता था ये सीन करने के लिए मैं उसको कैंसिल करती थी और मैं दूसरा कोई इंस्टिंग ढूंढती थी यू you नो know, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंग था आई यूज़ टू फील लाइक इट्स वेरी मी एंड वी ऑलवेज़ यूज़ टू मेक दिस जो कि हमको अच्छी एक्टिंग नहीं देखनी हमको नई एक्टिंग देखनी है यू नो वी वॉन्ट टू सी समथिंग न्यू फ्राम यू तो हमेशा मैं सोचती अच्छा ये लाइन मैं ऐसे बोलती हूँ मैं उसको कैंसिल करके कुछ और ढूंढती थी सो द प्रोसेस वॉज जब मैं शूट कर रही थी हमारी बातें हमारी डिस्कशंस एंड वी मेड इट एज वी बेंड लेकिन मैंने इस फिल्म के लिए बहुत होमवर्क किया है आई रिमेम्बर मैंने प्रोडक्शन को बोला था कि मेरे कमरे में लंडन में एक बहुत बड़ा मिरर लगा दो और उस मिरर के सामने मैं चलने की प्रैक्टिस और क्योंकि ओबियसली आपने देखा एल्कोहलिज़म का है और उसकी प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा है नहीं तो वो वो ड्रंक कैसे लगेगी वो दिखेगी कैसी आँखों को कैसे अफेक्ट करता है एल्कोहल ये सब चीज़ें मैं रिहर्स करके अगले दिन सेट पर जाती थी माइक आपको किस तरह का अप्रिसिएशन मिल रहा है इंडस्ट्री की तरफ से इस ट्रेलर को लेके कुछ बताना चाहिए आपके फ्रेंड्स कई सारे फ्रेंड्स हैं मुझे एक्चुअली इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है मेरे मुझे ऐसा लगता है जैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिर मुझे याद करना पड़ता है कि अभी एक हफ़्ता बाकी है अभी फ़िल्म आनी बाकी है बट ऑनेस्टली um, मैं इस बारे में भी बहुत मज़ाक करती हूँ कि जिस दिन हमने ट्रेलर रिलीज़ किया था उस दिन मुझे मेरा फ़ोन चार बार चार्ज करना पड़ा क्योंकि इतने फ़ोन्स और मैसेजेस पे मैं थी um, और ये मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रही हूँ ऑब्वियसली uh, कि आई रियली आई आई नेवर रिसीव सच अ फीडबैक आई नेवर रिसीव सच अ रिस्पॉन्स जहाँ भी मैं जा रही हूँ लोग इस फिल्म के बारे में मुझे बोल रहे हैं सो so, हम लोग तो नर्वसनेस से मर रहे हैं ऑनेस्टली बट आई होप अभी बस 5 दिन में यू नो सब अच्छा जाए सब अच्छा जाए प्लीज प्रे फॉर अस सो हेलो सर हेलो मैम बीइंग एन इंडियन अडैप्टेशन व्हाई डिड यू चूज टू नॉट मेक द लोकेशन ऑफ द शूट आल्सो इंडियन पर से इन इंडिया इंडिया या ओह देयर इज तो बिकॉज़ इसके पहले वाली फिल्म मैंने कोलकाता में बनाई थी तो अदितिव अदिति राव हायदरी जो है हमारे यू नो दूसरे वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इज प्लेइंग तो अदिति का एक सजेशन था कि आ, रिभु आप ये पिक्चर आ, कलकत्ता में क्यों नहीं बनाते हो बिकॉज इंडियन अडेप्टशन है कलकत्ता है आपने कलकत्ता में शूटिंग किया है पिछले पिक्चर पिछला फिल्म आपने बनाई है तो मेरा एक ही एक ही आंसर था उसका कि अगर वो कलकत्ता में बनाऊंगा तो वो गर्ल ऑन द ट्रेन नहीं होगा वो गर्ल अंदर ट्रैम हो जाएगा तो मुझे लगा कि उतना धीरे से धीरे धीरे ट्रैम चलती है तो पिक्चर भी उतना ही आ, स्लो हो जाएगा नहीं नहीं ये जोक yes. है ये जोक था ऐसे जोक्स हमें पूरे दिन सुनने पड़ते हैं आप लोग तो बस आधे घंटे के लिए सुनने आए हो सोचो हमारी हालत एक्चुअली जो बुक है वो लंदन में बेस्ड है जो फिल्म बनी थी एमिली ब्लॉन्ट के साथ वो न्यूयॉर्क में थी तो मुझे आई वॉन्टेड टू बी ट्रू टू द बुक तो इसीलिए लंदन और जब आ, आपको पता है इनका दूसरा घर है लंदन में तो हमको लगा कि घर में भी रहेगी शूटिंग भी हो जाएगा घर में रहेगी बट ये लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा लंदन में क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी तो वो लोग मुझे अगले दिन जैसे लोकेशन बताते थे कि अच्छा हम लोग यहाँ शूट करें तो मैं बोलती थी अच्छा हाँ ये ना ये ना ये ना तो ये लोग बोलते थे कि तुम प्रोडक्शन ज्वाइन कर लो या कि लोकेशन मैनेजर बन जाओ तुम एक्टिंग छोड़ दो इस फिल्म के लिए लंदन में आपको ट्यूब में ट्रैवल करने के लिए ना एक कार्ड लगता है उसका नाम है ऑस्टर कार्ड uh -huh. तो इनके अगर आप वॉलेट देखोगे ना क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेंगे ऑस्टर कार्ड बिल्कुल मिलेगा आपको Unfortunately, oh <laughs> we are running out of time. We uh, only hello, have sir. time for one uh, one hello, last question. Actually, my question is that, in the same way, the girl on the train is a इसी तरह आने वाले समय में क्या आप किस तरह की स्टोरी पे काम करना चाहेंगे आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आपने सोचा है जिस पे काम करने का ऐसा कुछ है आपके पास थिंक मैं आपको एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ <clears throat> मुझे ऐसा लगता है जेन्यनली और हम इस बारे में बहुत मजाक भी करते हैं कि इस फिल्म ने ना मुझे बदल दिया है एज अ पर्सन एज एन एज एन एक्टर क्योंकि मैं हमेशा से एक बहुत यू नो गीकी स्टूडेंट एकेडमिक लड़की थी एंड uh, <coughs> मुझे टीचर से सवाल करना क्लास में टॉप करना हर जगह यही मेरा सिस्टम था और आपको पता है कि मैं पहले बैंकर थी एक्टर बनने से पहले तो इस फिल्म पे ना मुझे वो ही प्रोसेस दोबारा मिला एक टीचर एक स्टूडेंट होमवर्क कर रहा है मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई हीरोइन हूँ और मैं सेट पे बस चार घंटे शूटिंग करके घर जा रही हूँ यू नो इट फेल्ट लाइक कोई भी मीडियोकर टेक ओके okay नहीं होगा मुझे डांट पड़ती थी जब मैं कुछ गड़बड़ करती थी जब अच्छा करती थी तो यू you नो know, मुझे ताली बजती थी सो so, इट मुझे फाइनली इस फिल्म पे जाके लगा कि यस ऐसे मुझे काम करना था और ऐसी फिल्मों पे काम करना है सो आई फील कि अभी मेरे जितने भी आगे के चॉइसेस होंगे जिस तरह की भी मैं फिल्में करूँगी जैसे ऑलरेडी मैंने साइना नेहवाल शूट की है आ, इसके बाद मैं एनिमल शूट करने जाऊँगी ऑलरेडी uh, मेरा प्रोसेस बदल गया है यू नो दूस्रिप्ट या द वे आई रीड्स मैं मैं पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काम को लेके यू नो एवरी थिंग सो आई विश ये फिल्म और भी पहले आ गई होती मेरी लाइफ में मैं पहले से ही ये सेट हो जाती मैम द गर्ल ऑन द ट्रेन का कुछ गाना है जो आप गाकर सुनाएंगे हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सुना oh. सुना ये तो हो नहीं ओके okay, या yeah. तो uh, मैंने एक uh, गाना गाया है मतलब ही यारिया तो मैं उसकी दो ही लाइन गाऊंगी hmm, सोई नज़र में सो दर्द जागे बिखरती गई मैं जोड़ जोड़ धागे हारिया यारा मतलब ही थी तेरी यारिया हारिया यारा मतलब ही थी तेरी यारिया सुपर सुपर थैंक यू थैंक यू परिणीति जी आ, ऐसे एक्टिंग oh. के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाती है जी बिल्कुल बिल्कुल हम कब से बोल रहे हैं वी कैन प्रोसीड टू फोटोग्राफ्स नाउ हां सॉरी वी कैन प्रोसीड फॉर पिक्चर्स सर ही इज इन द मिडिल ऑफ द क्वेश्चन हां गर्ल ऑन दिन द्ट टाइगर भी आई है हाँ. प्रियंका चोपड़ा जी की नेटफ्लिक्स पे अगर आपने देखी हो and, so अगर आप बता सके कि आपका क्या रिएक्शन था लाइक like, हमने देखी हमें बहुत आप बताइए कि मेरा रिएक्शन वही था जो पूरी दुनिया का रिएक्शन था कि अमेजिंग फिल्म है एंड मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ कि ऐसी फिल्म की uh, ना ही एक्ट्रेस बट प्रोड्यूसर भी मेरी बहन है यू नो आई कीप सेंग दिस की uh, कुछ ही साल हुए उनको यू नो हॉलीवुड गए हुए और इतनी जल्दी उन्होंने जो सक्सेस पाया है जिस तरह का वो काम कर रहे कर रही है जिस लोगों के साथ एसोसिएट हो रही है मतलब इट्स अमेजिंग कि वो जिस जिस तरह के हमारे लिए बेंच मार्क्स इंक्रीज़ करती रहती है यू नो बॉलीवुड में जब वो आई पहले मिस इंडिया बनी फिर मिस मिस वर्ल्ड बनी फिर यू नो यहाँ की टॉप एक्ट्रेस फिर वहाँ गई एज़ अ डेब्यूटान शुरू हुई एंड नाउ शी इज़ रीच्ड यू नो समर

And government की तरफ से भी आया कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है आपको उसको बस हार्ट अटैक होने ही वाला है बेचारी को वो रोने वाली है अब ओके okay, दे दिया उन्होंने जल, जल्दी से बोलूंगी की एक्चुअली हम हमेशा ये बोलते थे कि यू नो ओटीटी पे जिस तरह का हम कंटेंट लिखते हैं जिस तरह का यू you नो know, आता है ओटीटी पे हम कितना कुछ ज़्यादा मजा करते हैं और कितने डाइवर्स कैरेक्टर्स हम लिख पाते हैं एंड यू नो सिनेमा में कहीं पर वो रिस्ट्रिक्टेड है बट उसके कारण उसकी वजह है कि सिनेमा में लोग कम्यूनिटी व्यूइंग करते सब फैमिलीज़ के साथ बच्चों के साथ जाते और ओ टी पे हम लोग अपने रूम में अकेले भी बैठ के देख सकते हैं या हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किसके साथ बैठकर फिल्म देख रहे हैं तो वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा घट ज़्यादा वो हो सकता है आई जस्ट होप ऐसा ही रहे क्योंकि यू नो सेंसरशिप आए जरूर बट आई होप कि जो ओ टी टी का मज़ा है वो जाए ना बस uh, uh, मुझे लगता है कि सेंसरशिप uh, जो है देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फिगरिंग आउट कि कैसा सेंसरशिप होगा कि नहीं होगा आई एम श्योर वहाँ पे बहुत ही शॉर्टेड लोग होंगे जो इसके बारे में डिसीजन मेकिंग करेंगे बट मुझे लगता है कि बिकॉज uh, अभी इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है सब कुछ ही है मतलब आपको कुछ भी देखना है आप इंटरनेट में देख सकते हो तो अगर आपको uh, कर्ब करना है कुछ भी तो सेंसरशिप ना करे उसको रेटिंग सिस्टम कर दे सो uh, दैट so uh, uh, उनके लिए भी वो यू नो इट विल गुड फॉर देम इन द सेंस दैट दे नो दैट ये कंटेंट है ये uh, दस साल के ऊपर के लोगों के लिए है या अठारह साल के ऊपर के लोगों के लिए है जो भी है तो आई थिंक रेटिंग सिस्टम हो जाएगा uh, अगर होता है तो या कोई भी एनी अराउंड दैट तो uh, आर्टिस्ट मेकर्स राइटर्स भी आ, एक तरफ आ, सोचेंगे कि नहीं हमारा क्रिएटिव फ्रीडम को कर्ब नहीं किया गया है और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी आ, ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है आई एम श्योर उनको भी लगेगा कि नहीं करेक्ट वे में ये हुआ है सो आई थिंक दिस इज़ एक मिड ग्राउंड में आना पड़ेगा एंड आई uh, थिंक वही प्रोसेस चल रहा है एंड आई थिंक कुछ कुछ महीने में सॉल्व हो जाएगा परिणीति जैसे कि आप लंडन में लोकल ट्रे ट्रेन में सफ़र करती रहेगी ट्रेनों में तो यहाँ पर तो आप अपनी लग्जरी कार में सफ़र करती हैं तो कहीं ना कहीं इन दिनों बजट आपका बिगड़ा होगा पेट्रोल प्राइस हाइक से तो इस मुद्दे पर आप लोगों के क्या टेक है व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मेट्रो में सफर करते हुए देखें ऑफ कोर्स क्यों नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं मेरे पास हमेशा से कार्स नहीं थी तो मैं मेट्रोज में और ट्रेन में और चल के भी मतलब मेरे कॉलेज डेज में मैं जाती थी सो ऑफ़ कोर्स बट यस मैं पेट्रोल हाइक पे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा सॉरी विल जस्ट एक वन क्वेश्चन फ्रॉम यू सॉरी सॉरी पेट्रोल हाइक के बारे में मुझे नहीं बोलना है मुझे सिर्फ बोलना है कि मेरे आ, आ,

और मैं हर जगह टाइम पे पहुंचती हूँ और सबसे पहले मैं पहले ही जब मैं सुबह उठती हूँ मैं पूरा प्लान बनाती हूँ मेरे दिन का तो मैंने टचवुड आज तक कभी कोई फ्लाइट में नहीं मिस की ट्रेन नहीं मिस की क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत पढ़ाकू और एकेडमिक लड़की थी तो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है थैंक यू सो मच थैंक यू गाइज थैंक यू या थैंक यू एवरी यहाँ आने के लिए और इस इवेंट इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो भूलिए मत द गोल ऑन द ट्रेन रिलीजिंग 26 ट्वेंटी सिक्स ओनली ऑन नेटफ्लिक्स